चलो फर्स्ट चैप्टर कंपनीज एक्ट। कंपनीज के बारे में क्या पता है? अरे मतलब कंपनी मतलब तुम्हारे हिसाब से क्या होता है कंपनी? ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश क्या बात है? अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो फिर HUF में क्या फ़र्क है, कंपनीज में क्या फ़र्क है? सर बोले स्पेलिंग देखा दोनों के अलग अलग है। हाँ अच्छा, और पार्टनरशिप और कंपनीज में क्या फ़र्क है? पार्टनरशिप में मेंबर्स रहते हैं और कंपनीज में, पार्टनरशिप में पार्टनर्स रहते हैं और कंपनीज में कंपनर्स रहते हैं, मेंबर्स रहते हैं। अच्छा इधर आ जा, आ जा जाइद सेकंड पे आ जा, या तो तू अंदर घुस जा या तो उसको आके उसको बाईपास कर दे, जो भी। शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स बोली तू, फिर क्या बोली तू? मेंबर्स बोली। अच्छा उसको पूछ रहे मैंने क्या बोला, वाह गजब। अच्छा फॉर एग्जाम्पल आरजी क्लासेस इज अ पार्टनरशिप फॉर्म, मैं कौन हूँ? पार्टनर। सपोज आरजी क्लासेस इज HUF, तो मैं कौन हूँ? करता। और इसके अलावा जो दूसरे मेंबर्स रहेंगे, फैमिली मेंबर्स जो रहेंगे वो कौन रहेंगे? को पार्टनर्स। अच्छा सपोज फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक प्रोपराइटर हूँ, तो मैं कौन हूँ? ओनर। सपोज मैं कंपनी है, ये आरजी क्लासेस इज अ कंपनी, लेट इट बी एनी टाइप ऑफ कंपनी, लेट इट कैन बी आरजी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, और इट कुड बी आरजी क्लासेस पब्लिक लिमिटेड, और इट कुड बी आरजी क्लासेस गवर्नमेंट कंपनी, और इट कुड बी आरजी क्लासेस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ 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 भी हो सकता है। सर ये कौन सी भाषा बोल रहे हो बताऊंगा, कंपनीज में अलग अलग टाइप ऑफ कंपनीज है। तो मैं कौन हूं अगर आरजी क्लासेस एक कंपनी है, तो मैं कौन हूं? मैं मेंबर हूं, डायरेक्टर हूं। अरे तो बनाई मतलब मैंने बनाई ना, और किसने बनाई? मैं डायरेक्टर हूं, प्रमोटर हूं, आई एम द प्रमोटर। द वन हु स्टार्ट्स अ कंपनी इज नोन एज अ प्रमोटर। कुछ सेक्शन याद है क्या? 2 सबसेक्शन 69, ठीक है पढ़ेंगे आगे जो भी रहेगा वो पढ़ेंगे, 12th में पढ़ा होगा शायद गलती से, नहीं पढ़ा, ठीक। तो द वन हु सीड्स द कंपनी, हु वन हु सीड्स द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग हिज ओन कंपनी, लेट इट बी अ स्मॉल कंपनी, लेट इट बी अ बिग कंपनी, लेट इट बी एनी काइंड ऑफ कंपनी, दैट पर्सन इज नोन एज अ प्रमोटर। ओके अब मैं अगर पूछूं कि सपोज ये अगर प्रोपराइटर कंसर्न होता, आरजी क्लासेस सपोज एक प्रोपराइटर कंसर्न होता, तो इसमें पैसा किसने इन्वेस्ट किया होता और इसको रन कौन कर रहा होता? तो मतलब पैसा भी मेरा, मैनेजमेंट भी मेरा। लेकिन अगर कंपनी होती है तो कंपनी के लिए हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी? शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, वेयर एज द मैनेजमेंट इज टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर एक डायरेक्टर होता है, बहुत सारे डायरेक्टर को कंबाइन करके एक नाम जो लिया जाता है उसको बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर नहीं बोलते उसको, डायरेक्टर्स भी नहीं बोलते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। वो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे बैठते हैं और चर्चा करते हैं कि इस साल हमको कैसा कितना डिविडेंड देना है, इस साल हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब डिस्क्लोज करना है, AGM कौन से दिन पर रखना है, ऐसा ऐसा कुछ तो भी बातें करते हैं, ठीक है। अब कंपनी कुछ अलग अलग टाइप्स की होती है, बेसिक पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि कंपनीज एक्ट जो पढ़ रहे हैं, तो ये बेसिकली कंपनीज एक्ट क्या नाम सजेस्ट करता है, किसके बारे में एक्ट होगा? कंपनी। अब कंपनी क्या होता है पहले वो समझ रहे सिर्फ, एक बार कंपनी क्या होता है उसका ब्रीफ ओवरव्यू समझ जाएगा तब ये एक्ट में क्या लिखा है कंपनी के बारे में वो चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। कंपनी कौन कौन से टाइप की होती है? एक होती है कंपनी पब्लिक कंपनी, जिसके शेयर्स लिस्टेड होते हैं ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, नहीं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज होने की जरूरत नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज पर होना जरूरी है। अब मैं तेको फर्क बताता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज एंड अ स्टॉक एक्सचेंज, 2 मिनट। तो ऐसी कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड हो, ऐसी कंपनी को बोला जाएगा लिस्टेड कंपनी या पब्लिक कंपनी, और उनके नाम के आगे लिखा रहेगा XYZ पब्लिक लिमिटेड, या कभी कभी XYZ सिर्फ लिमिटेड,
अगर सिर्फ लिमिटेड लिखा है मतलब वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी मतलब इसके शेयर्स ओपन मार्केट में फ्लोट होते हैं, तैरते नहीं है, फ्लोट बाय सेल होते हैं, मतलब आप जाकर बाय कर सकते हो, आप चाहो तो सेल कर सकते हो, क्लियर। पहली कंपनी होगी पब्लिक कंपनी, सेकंड कंपनी होगी प्राइवेट कंपनी। सर प्राइवेट कंपनी बोले तो ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स मार्केट में फ्लोट नहीं होते और जिसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू मारूंगा 200, तो बोलो ना सर टू, फिर रुक जाती राधिका जान पूछ के, कोई अगर 100 बोलेगा तो मैं बोलती 100, नहीं तो टू, मैं मजाक करी, मैं ऐसा बोल ही नहीं देती कुछ तो भी, 200 कंफर्म नहीं थी वही ना, नालायक, ट्वेल्थ की एग्जाम आ रही है कंफर्म नहीं हूं। तो जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू 200, जबकि पब्लिक कंपनी में ऐसा होता है कि सर पब्लिक कंपनी में कितने भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ, अनलिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, क्लियर यहां तक बात। तीसरी कंपनी होती है जिसको बोला जाता है ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, सॉरी वन पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है देखेंगे, पर समझ लेते हैं ओपीसी हुआ है। एक और कंपनी होती है जिसका नाम होता है स्मॉल कंपनी। अब जिसके पास में पुरानी बुक्स होगी उसके इसमें डेफिनेशन में अमेंडमेंट आया है, जिसके पास में नई बुक्स है उसमें चेक कर लेंगे, बाकी जिनके पास में पुरानी मॉड्यूल्स होगी या पुरानी नोट्स होगी या पुरानी बुक्स होगी उसमें स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन जो थी वो अलग थी। इस अटेम्प्ट में अभी कौन सा अटेम्प्ट गया, अभी 4 दिन पहले नवंबर 2021 के अटेम्प्ट के टाइम पर जो एक आरटीपी आती है किताब आती है रिविजन टेस्ट पेपर नाम से, तुमने खोलना ही नहीं है कभी जीवन में वो आईसीआई की किताब है ना, किताब का खोल लोगे तो उसमें अमेंडमेंट्स आए हैं, उसमें सारे अमेंडमेंट्स आते हैं, तो उसमें उसका अमेंडमेंट चेंज कर दिया है। एक और कंपनी होती है जिसका नाम होता है सेक्शन 8 कंपनी, बोले तो एनपीओ, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये कंपनी काम करती है बट इसका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, मैं ये नहीं बोल रहा कि इसको प्रॉफिट नहीं होता है, ऐसा करना कौन बेवकूफ है जो कंपनी खोल रखी, वो खोले लॉस करना है हमको, मजा आती है बस किक मिलती है, इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा कि उनको प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिट दनान होता है बट वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, वो चैरिटेबल पर्पस के लिए बनती है और उसमें उनको प्रॉफिट होता है। सर प्रॉफिट कैसे हो जाता है फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए, अरे भाई कोई एक सामान लाया था 10 रुपए में, लोगों को बेचा 10.5 रुपए में, जब मार्केट में 10 रुपए की चीज 15 रुपए में बिक रही है, आप 10 रुपए की चीज 10.5 में बेच रहे हो, तो लोगों के लिए तो सस्ता ही हुआ ना वो, आपने तो चैरिटी जैसा ही वर्क किया ना, लेकिन आपको 50 पैसे का प्रॉफिट भी तो हुआ ना। तो मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा, मैं ये बोल रहा हूँ आपका इंटेंशन प्रॉफिट करना नहीं था, आपका इंटेंशन चैरिटी करना था, और बाद में ये जो 50 पैसा मिला, सपोज ये इतना नंबर ऑफ टाइम्स घुमा कि आपको टोटल प्रॉफिट 1 करोड़ का हुआ, तो ये 1 करोड़ रुपया आप कहीं को दो कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको इसी में इसको रीयूज करना था। मतलब अगर मुझे 1 करोड़ रुपया हुआ तो मैं आरजी क्लासेस में वापस लगाऊंगा कि 1 करोड़, मैं 1 करोड़ से प्लॉट ले लूंगा, मैं 1 करोड़ से सोना ले लूंगा, मैं 1 करोड़ से, अगर मैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो तुम लोगों को डिविडेंड बांट दूंगा, कि तुम लोगों को डिविडेंड मिलेगा, तो ऐसा लगे ओ कितनी मस्त कंपनी, हमको डिविडेंड भी मिलता है। बट चैरिटेबल पर्पस वाली कंपनी जो है सेक्शन 8 कंपनी, वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगा। डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया मतलब तो आपने प्रॉफिट लोगों में बांट दिया, लोगों में क्यों बांट रहे हो भाई प्रॉफिट, आपका धंधा ये था क्या प्रॉफिट भी कर, आपको इसी पर्पस के लिए वापस इसको रीयूज करना पड़ेगा। आप मंदिर बना लो या मंदिर का होगा, ट्रस्ट चेक होता है मंदिर में, जो आप दान पेटी में डालते हो तो वो ट्रस्ट के नाम पर जाता है, तो वो जो ट्रस्ट को जो पैसा मिला वो तो प्योर प्रॉफिट है। बाबा जी को लगा कितना, साईं बाबा को तेल लगा, बालाजी को लगाई क्या आरती धूप वगैरह वो सब लगी, तो उसका कॉस्टिंग कितना, उसके रिटर्न में आपको आता कितना, तो बट ऑफ कोर्स से प्रॉफिट बनना है, लेकिन ये प्रॉफिट से आप लोगों में अगर बांट दोगे तो आपका तो बिजनेस हो गया है भाई साहब, कि हम प्रॉफिट कमाते हैं और लोगों में बांट देते हैं। हाँ आप बांट नहीं सकते, आप मंदिर में ही इन्वेस्ट कर लो, मंदिर में कुछ बना लो, उनकी मूर्ति बना लो, या जो भी थिंग होगा वो हम आगे जाकर और पढ़ेंगे, बट ये हो गया सेक्शन 8 कंपनी। एक और कंपनी होती है जो होती है अमेजॉन, फेसबुक, गूगल, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन कंपनीज, ठीक है, मतलब जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट होती है और इंडिया में आके बिजनेस करने की ट्राई करती है। और इसके अलावा और भी कुछ कंपनी, एक होती है गवर्नमेंट कंपनी, आई गेस बोलने की जरूरत नहीं कि गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है। सर एनी कंपनी विच इज स्टार्टेड और विच इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, नाउ अगेन गवर्नमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, मोदी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट, नहीं रही, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो चाहे आपकी कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लगा हो या चाहे आपकी कंपनी में स्टेट गवर्नमेंट का पैसा लगा हो, इन एनी केस दैट कंपनी वुड बी रिगार्डेड एज अ गवर्नमेंट कंपनी। सॉर्टेड है,
कोई जरूरत नहीं, दोनों का मिला के 51% होना चाहिए। सेंटर का 1% बचा हुआ 50 स्टेट का चलेगा, या फिर स्टेट का 50% सेंटर का 1% तो भी चलेगा। गवर्नमेंट ने 51% उस कंपनी में होल्ड करना चाहिए, दैट्स इट, दैट इज आवर ओनली मोटो। तो दीज आर ऑल काइंड ऑफ कंपनीज दैट हैज बीन रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, याद रखना 2013। इसके पहले एक और कंपनीज एक्ट हुआ करता था जिसका उम्र थी 1956, दैट इज 1956। दैट एक्ट हैज बीन अबॉलिश्ड और उसको रिप्लेस कर दिया 2013 में, बट आज भी सारे सेक्शंस 1956 के 2013 में कन्वर्ट नहीं हुए। मतलब आज भी इस कंपनीज एक्ट में कुछ कुछ सेक्शंस है जिसके लिए हमको रेफरेंस लेना पड़ता है 1956 में जाकर, ठीक है। तो किसी को बोल मत देना आप थोड़ी कंपनीज एक्ट 1956 को छापड़ ही मारेगा, वो ये बोलना 400 सेक्शन अगर होंगे तो उसके 350, 380, 390, 395 मतलब 395 सेक्शंस भी 2013 में इनकॉर्पोरेट हो गए, लेकिन अभी भी 5 सेक्शन, एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी भी 5 सेक्शन 2013 के नहीं, हम 1956 के ही फॉलो करते हैं। क्लियर है, एक बेसिक ओवरव्यू इज ऑल क्लियर। चलो पहली कॉन्सेप्ट, अप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट। सर कंपनीज एक्ट कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन को अप्लीकेबल होता है? The companies incorporated under this act or any other previous company law. कौन सा previous company law है? 1956. सर नोट्स हमारे पास है नहीं, मैं नोट्स दूंगा, शांति, अभी अपने को नोट्स की जरूरत नहीं है इसके लिए, मैं नोट्स सेंड आउट करूंगा। सर कंपनीज एक्ट सारे कंपनीज पे अप्लीकेबल होती है एक्सेप्ट इंश्योरेंस कंपनी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के लिए उसकी खुद की एक्ट है, IRDA एक्ट, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। तो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, फर्स्ट इज इंश्योरेंस एक्ट, एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजंस ऑफ द सेड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट। सर इंश्योरेंस कंपनी पे भी कंपनीज एक्ट लगेगा, बट अगर ऐसा कोई प्रोविजन है जो कंपनीज एक्ट में भी है और इंश्योरेंस एक्ट में भी है तो हम इंश्योरेंस एक्ट की बात सुनेंगे, ना कि कंपनीज एक्ट की बात सुनेंगे, क्योंकि कंपनीज एक्ट जनरल है बट इंश्योरेंस एक्ट सिर्फ इंश्योरेंस के लिए बनाया गया। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जब भी कोई कंपनी का IPO आता है, बोले तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स लाती है मार्केट में, तब उस टाइम पर एज पर कंपनीज एक्ट आपको 25% अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ेगा, बट एज पर सेबी रेगुलेशंस आपको 5% करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हम सबसे पहले सेबी की बात सुनेंगे, क्योंकि सेबी पर्टिकुलरली इसी के बारे में बनाया गया है। सर इसमें तो 25 बोल रहे हो, उसमें तो 5 बोल रहे हो, ओ माय गॉड, अब मैं किसकी सुनूं? सेबी की, क्योंकि सेबी पर्टिकुलरली इसी चीज के लिए बनाया। इन द सेम मैनर सर कंपनीज एक्ट क्या इंश्योरेंस कंपनी पे लगता है? 100% लगता है, बट सर कभी ऐसा हो जाए कि कोई प्रोविजन कंपनीज एक्ट में लिखा है कि ये नहीं चलेगा और इंश्योरेंस में लिखा है ये चलेगा, तो हम किसकी सुनेंगे? इंश्योरेंस एक्ट की, क्योंकि उसके लिए हमने स्पेसिफिकली IRDA एक्ट लगाया, ठीक है। सेकेंड, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सर क्या बैंकिंग पे इंश्योरेंस बैंकिंग पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है? 100% होता है, 100% होता है। बट सर अगर बैंकिंग का ऐसा कोई प्रोविजन होगा जो कंपनीज एक्ट में भी लिखा होगा, जो बैंकिंग वाला बोलता है नहीं हो सकता और कंपनी वाला बोलता है हो सकता है, तो किसकी सुनेंगे? बैंकिंग की, क्योंकि सर बैंकिंग के लिए हमारे पास में स्पेसिफिक प्रोविजन है, बैंकिंग रेगुलेशंस। तीसरा, कंपनीज एंगेज इन द जनरेशन ऑफ और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी जो है उस कंपनी को भी क्या कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है? डेफिनेटली यस, बट अगर कोई प्रोविजन अभी अगर कोई संविधान ऐसे बने हैं कि वो कंपनीज एक्ट में भी है और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में भी है और दोनों एक दूसरे को ही क्रॉस कर रहे हैं, एक ही प्रोविजन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो हम सुनेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की। या एनी अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट। सर और ऐसी कोई कंपनी है जो स्पेशल एक्ट के तहत बनी होगी तो हम उसकी बात सुनेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी भी कंपनी के बारे में अगर आपको कोई भी डिटेल्स जानना है कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदती है, कितने रुपए में खरीदती है, मतलब बिजनेस सीक्रेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, तो आप कहाँ जाके देखोगे इसके बारे में? गूगल, धप्पड़ मारो MOA AOA में। सब ये MOA AOA क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आई होप 12वीं में थोड़ा तो पढ़ा होगा। कोई साइंस वाला है क्या इसमें? साइंस वाला, ओके। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नाम से एक डॉक्यूमेंट होता है, कौन से कॉलेज में था?
ओके, कॉलेज में क्यों गया? वही कॉलेज में क्यों गया? नहीं, तो दूसरे कॉलेज में भी तो पढ़ाई होती रही, ऐसा थोड़ी दूसरे वाले दिन लगोरी खिलाते। अच्छा ठीक है, चल तू उस कॉलेज में गया। कॉलेज में जाने के बाद बस तूने ऐसे बिल्डिंग देखी और फीस भर दी क्या उसको? फिर पढ़ाई देखी। ओके, तो उसका फीस स्ट्रक्चर वगैरह तूने मांगा होगा कि बताओ कैसी है फीस स्ट्रक्चर वगैरह, तो उसने तेरे को व्हाट्सअप किया क्या बातें? कोई सर ने पेज दिया होगा, हैंडआउट दिया होगा, उसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई होगी। उस डिटेल्स में ये लिखा होगा कि हमारी स्कूल कब, हमारे कॉलेज कब स्टार्ट हुआ था, मतलब शुरुआत 1947 में शुरू हुई होगी एग्जाम्पल। हमारे कॉलेज में इतनी फैकल्टीज है, हमारे पास में ये सारी एमिनिटीज है, हमारे इसमें स्विमिंग पूल, जिम, स्पा वगैरह ऐसा नहीं होता कॉलेज में कुछ, मैं बता रहा हूँ तेरे को, ऐसे सब एमिनिटीज लिखी हुई होगी, ऐसा सब लिखा होगा, नहीं लिखा होगा। तो वो डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद तूने सोचा होगा कि अब मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन लेनी है या नहीं लेनी है। ऐसा ही डॉक्यूमेंट जब कंपनी देती है ना कि आप हमारी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको बोला जाता है प्रोस्पेक्टस। कंपनी का भी, कॉलेज का भी एक प्रोस्पेक्टस होता है। लेकिन जब भी तुम कंपनी के बारे में पढ़ने की कोशिश करोगे तो प्रोस्पेक्टस में सारी बातें नहीं लिखी रहती, उसके लिए तुम उस कंपनी के बारे में एक और डॉक्यूमेंट मांगोगे जिसका नाम रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और सेकंड डॉक्यूमेंट का नाम होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसको पढ़ने से आपको समझ में आता है कि ये कंपनी क्या काम करती है, ठीक है। अब सर अब कहां से किधर चले गए, मैं ये बोल रहा था तुमको किसी भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो तुम क्या करोगे, उसका मोवा और ओवा लोगे, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लोगे। मेरे को एक बात बताओ, मुझे ना एक डिफेंस कंपनी का MOL चाहिए। डिफेंस अभी आया था ना एक डिफेंस की कौन सी कंपनी लिस्ट हुई थी, मस्त लिस्ट हुई वो, जोरदार, क्या प्रॉफिट दिया उसने लोगों को, शिट मैं नाम भूल गया, अभी अभी लिस्ट हुई यार, एक सवा महीना हुआ है उसको लिस्ट होके, तूफान प्रॉफिट दिया, मतलब किसने 15,000 डाले तो उसके 50,000 ही लेकर बाहर निकला उसी का, पता नहीं मैं नाम बताऊंगा तुमको कौन सी कंपनी है। तो वो कंपनी का मैं MOA मांगने गया कंपनी को कि कंपनी बताओ ना तुम कहाँ से बारूद, गोला बारूद खरीदते हो, मेरे को भी लेना है थोड़ा सा, 2-3 किलो मैं भी रखता हूँ अपने पास में, तुम कहाँ लेते हो, किसको बेचते हो, तुम्हारे सप्लायर्स कौन है, डीलर्स कौन है, बताओ ना, तो ऐसी मस्ती आई है। सोचो कितना धोटेगी तुमको वो कंपनी, साले ये नेशनल डिफेंस के बारे में बात चल रही है। हाँ सर हम तो कंपनीज पढ़ के आए, आप ऐसे कैसे मना कर सकते, हमने तो पढ़ा है 30 पेज की नोट्स में पढ़ा है कि कंपनी का MOA लेने का एक शेयर होल्डर्स का राइट होता है, मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो मेरे को सारा राइट होना चाहिए कि मैं आपके बिजनेस के बारे में सब कुछ जानूं। मारे ही उल्टा उठा दी, भाई साहब ये कंपनी बनी है बट इस पर कंपनीज एक्ट भी अप्लीकेबल होता है, बट ये कंपनी ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन लेती रहेगी तो कोई पाकिस्तान का इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा इसमें, और बोलेगा लाओ डिटेल्स बताओ, तुम्हारे ब्लूप्रिंट्स बताओ, कहाँ हमला करने वाले, बता दो थोड़ा एडवांस में, हमको पता रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ये कंपनी स्पेशल एक्ट के तहत बनी है तो इस पर कंपनीज एक्ट अप्लीकेबल होगा बट सर्टन प्रोविजंस पे नहीं भी होगा, या फिर एनी अदर कंपनी या सच बॉडी कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट फॉर द टाइमिंग फोर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाइड। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई कंपनी को बोलेगा कि एक कंपनी तू मेरे हिसाब से चलेगी तो उसको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, वहां पे कंपनीज एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। पहला कॉन्सेप्ट सर, कंपनीज एक्ट किन किन चीजों पर अप्लीकेबल होता है? सर कंपनीज एक्ट सारे कंपनीज पे अप्लीकेबल होता है विच हैज बीन रजिस्टर्ड एज अ कंपनीज एक्ट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ। इंश्योरेंस पे होता है एक्सेप्ट, बैंकिंग पे होता है एक्सेप्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे होता है एक्सेप्ट, एनी अदर कंपनी फॉर्म अंडर स्पेशल एक्ट, और लास्ट एनी अदर कंपनी विच अ सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई, इन लोगों पे अप्लीकेबल नहीं होगा, होगा बट एक्सेप्ट प्रोविजंस नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, फटाफट लर्न करके दो हाथों हाथ।
पारस डिफेंस, पारस डिफेंस कंपनी का नाम था, पारस डिफेंस। अब तेरा क्वेश्चन सर, स्टॉक एक्सचेंज और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज दोनों एक ही तो होते हैं। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है जो जिसका बिजनेस इंडिया वाइड चलता है, और स्टॉक एक्सचेंज कहीं का भी हो सकता है। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज दो ही है, तूने दो के नाम सुने होंगे, एक का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरे का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE और NSE। जबकि मैं तेरे को बता दूँ इंडिया में टोटल 24 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। पुणे का स्टॉक एक्सचेंज है, मुंबई का अलग, मुंबई का तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही है, उल्लासनगर का एक स्टॉक एक्सचेंज है, दिल्ली का एक स्टॉक एक्सचेंज है, खड़गपुर का एक स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसे टोटल 24 स्टॉक एक्सचेंज है। बट तूने इनके नाम सुने क्या? क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंजेस है बट ये वही की लोकल कंपनीज को लिस्ट करती है, जबकि BSE NSE पूरे इंडिया में से किसी भी कंपनी को इन्वेस्ट, किसी को भी कंपनी को लिस्ट करती है, और आप कहीं से भी बैठकर कहीं के भी शेयर्स खरीद सकते हो, इसलिए ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस है। डिफरेंस समझ में आया दोनों का? रिलायंस चाहती तो वो सिर्फ कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती थी, तो तू उसके शेयर नहीं खरीद पाती थी। तेरे को खरीदना है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में जा, उसका रजिस्ट्रेशन ले, और फिर सिर्फ कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीद। बट रिलायंस ने अपने आप को रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाया, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग आके इन्वेस्ट करते हैं ऐसा। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई लिस्टेड कंपनी हो बट तुमको NSE BSE पे मिले ही ना, क्योंकि वो उस पर है ही नहीं। वो है लिस्टेड बट वो उसके लोकल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगी। क्लियर? चलो, कंपनी मीनिंग एंड इट्स फीचर्स, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 सबसेक्शन लर्न करना है क्या? बिल्कुल नहीं, जो बोलूंगा उतना लर्न करना है, जो नहीं बोलूंगा उसको बिल्कुल लर्न नहीं करना। सर कितने सारे आप लर्न करवा दोगे? ऐसे तो हार्डली 7-8 सेक्शन लर्न करना है आपको बस। सर एग्जाम पे टाइम पे याद नहीं आया तो कोई बात नहीं, बिना छोड़ के आना। मैं CA बन गया, एक सेक्शन नहीं लिखा था, पूरा बन गया मैं CA, थोड़ा सा भी नहीं बचा, कोई लोड नहीं लेना। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइंस द टर्म कंपनी। कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर प्रीवियस लॉ, एज वी शैल प्रोग्रेस अंडर द मीनिंग ऑफ द कंपनी विल बी अंडरस्टूड। ठीक है, क्वेश्चन आता है मस्त वाला, ऐसा कोई पेपर ना बनाओ जिसमें हर 3 या 4 अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन ना पूछा गया, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कंपनी। तो चौथा क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आता है। सर कंपनी के फीचर्स क्या है? कंपनी का पहला फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी, नीचे जाएंगे अलग से पढ़ेंगे। सेकंड फीचर है परपेचुअल सक्सेशन। तीसरा फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी। चौथा फीचर है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये देखिए इतनी सारी कंपनीज हैं, ऐसे कभी नाम सुने होंगे कंपनीज के तुमने, कोई आइडिया? गुडियर, गुडियर कौन सी कंपनी है? गुडियर ट्रैवलिंग के लिए ही काम करती है, टायर बनाती है। ठीक है, इंफोसिस सुना ही होगा, बजाज, सिटी बैंक। ठीक है, ये डेलॉयट KPMG एक्चुअल में LLP है, बट ठीक है। चलो फीचर्स ऑफ द कंपनी, पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी। मुझे एक बात बताओ, अगर RG क्लासेस एक प्रोप्राइटर कंसर्न है और अगर मैं मर जाता हूँ, तो खुश मत हो अगर बोला मैं, अगर मैं मर जाता हूं तो RG क्लासेस को रन कौन करेगा? मेरे लीगल हेयर अभी है भी नहीं, और अगर रहेंगे तो उनको पढ़ा तो थोड़ी आता। 2 साल का बच्चा क्या तोतला बोलेगा? रे मैं क्या पढ़ लूंगा, तो तंपर नहीं जाते तो तातेन क्या बोलेगा वो बेचारा? पॉसिबल नहीं। इवन अगर वो ये भी रहे 25 साल के भी रहे, 30 साल के भी रहे फॉर एन एग्जाम्पल, तो भी तुमने फीस किसको दी? मुझे। तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? सर आप ही पढ़ाओगे, अब मैं नहीं पढ़ा पाया था। ऐसे केस में आपकी कंपनी बंद हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाता है। बेसिकली एक दुकान की बात समझो ना, आपने एक दुकान में गए जोशी मार्केट में, किसी दुकान वाले को पैसे दिए, दुकान वाला नहीं रहा, तुम वेट नहीं करोगे उसका बच्चा आएगा, तुम बोलोगे एक काम कर पैसा दे दे। मेरा डीलिंग तेरे पप्पा के साथ था, इस दुकान के साथ नहीं था पर्टिकुलर। तेरी दुकान कुछ भी हो जाए मेरे को क्या लेना देना उससे, मेरे को मेरे पैसे दे दे, खत्म कर बात। करेक्ट?
लेकिन जब तुम रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदते हो और रिलायंस में क्या मुकेश अंबानी मर जाता है तो तुम्हारे शेयर्स खत्म हो जाते क्या, जीरो वैल्यू हो जाती है क्या उसकी? सर रिलायंस कंपनी ना एक कंपनी है, दुकान ना एक प्रोपराइटर कंसर्न है। थोड़े देर पहले तुमने बोला था सर कंपनी में मालिक कौन होता है? आए, मालिक शेयर होल्डर्स, जबकि मैनेजमेंट किसका होता है? डायरेक्टर्स का। तो डायरेक्टर मरने से ओनरशिप थोड़ी चले जाएगी, ओनरशिप तो तुम्हारी है। तो यहां पे इसका मतलब होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग, कंपनी का मालिक अलग। सर ऐसे कैसे, बट कंपनी का मालिक भी तो वही हुआ, उसने तो कंपनी बनाया था, मतलब उसके पापा ने, धीरूभाई अंबानी ने तो कंपनी बनाया था। कंपनी बनाई थी, आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट, बट कंपनी बनाने के बाद में उन्होंने उनके शेयर्स मुझे बेचे, तो मैं भी उस कंपनी में उतने परसेंट का पार्टनर हो गया या मेंबर हो गया। आई बात समझ में? तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है सर कंपनी को कुछ भी हो, कंपनी के डायरेक्टर को कुछ भी हो जाए उससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट धीरूभाई अंबानी के साथ में, मुकेश अंबानी के साथ में नहीं किया था, आपने कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस के साथ किया था, और जब तक रिलायंस जिंदा है तब तक तुम्हारे शेयर का भाव है। आज मुकेश अंबानी है, कल मुकेश अंबानी का बच्चा अनंत अंबानी आ जाए, अनंत अंबानी नहीं आते हुए कोई थर्ड पार्टी आ जाए, उससे क्या लेने देना? कल जाके उसको बच्चा नहीं रहेगा तो क्या कंपनी बंद कर दोगे? रतन टाटा, उनके पप्पा जमशेदजी टाटा, उन्होंने टाटा कंपनी बनाई, ताज होटल बनाया। ताज होटल क्यों बनाया पता है भाई? जमशेदजी टाटा इंग्लैंड गए थे, बींग एन इंडियन उनको वहां पे रहने के लिए जगह नहीं मिली और उनको धिक्कार करके निकाल दिया गया कि तुम इंडियन साले गलीच्छ लोग हो एकदम। तो वहां से वो जब वापस आए मुंबई, तो मुंबई बाय सी आते हैं, पहले तो बाय सी था, पहले थोड़ी एरोप्लेन वगैरह था, तो बाय सी आते, तो सी पे उन्होंने सोचा कि अब मैं यहीं पे ऐसा होटल बनाऊंगा जहां पे सारे फॉरेनर्स आके रहे, एंड दैट होटल इज नोन एज ताज होटल। जमशेदजी टाटा ने ताज होटल बनाया, ताज कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, ठीक है, IHL नाम से शायद, इंडियन होटल लिमिटेड ऐसा कुछ तो भी नाम है उस कंपनी का। तो मैंने ताज कंपनी के सपोज शेयर्स खरीदे, जमशेदजी टाटा मर गए, मेरे शेयर्स गए, उसके जगह किसने लिया उनकी जगह? रतन टाटा ने। रतन टाटा जी ने उनकी जगह लिया, मेरे शेयर्स की वैल्यू थी मेरे हाथ में। अब रतन टाटा जी मर गए सपोज, अब उनका बच्चा नहीं, उनकी शादी नहीं हुई, अब क्या हो जाएगा? फिर कंपनी बंद? अरे रतन टाटा मर गए, शटर डाउन। तुम्हारे पास कितने शेयर्स हैं? 2 लाख? हाँ, जीरो। ऐसा होगा क्या? सर कंपनी अलग, कंपनी के मालिक अलग। कंपनी के मालिक मरने से कंपनी बंद नहीं हो जाती है, क्योंकि कंपनी का मालिक आप हो, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसीलिए तुमने कभी साइरस मिस्त्री का नाम सुना होगा शायद? साइरस मिस्त्री? नहीं सर। रतन टाटा मरने के बाद में फिर कंपनी कौन चलाएगा? लार्जेस्ट शेयर होल्डर। या अगर रतन टाटा ने किसी और आदमी को वहां पे बिठाया कि मेरे जगह पे अब तू काम करेगा, क्योंकि बच्चा तो है नहीं उनको, लीगल हैर ही नहीं है, तो कंपनी बंद थोड़ी करने वाले, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कोई एक आदमी काम करेगा। सर फिर वो हिसाब से तो ओनर कोई भी बन सकता है। एग्जैक्टली बोले, एक मिनट सर, जैद बोलता है ओनर कोई भी बन सकता है, मतलब देख जैद कैसा है, जैद ना, तेरे पास में बहुत पैसा है, अनशन मतलब खुद की नोट बनाने की तेरे कारखाना ही है पूरा, तो घर जाता थोड़ा बहुत नोट बनाता वापस आ जाता फिर घर जाके नोट छापता, बस ये काम है तेरा। तूने क्या किया, इसके पास में रिलायंस के शेयर्स थे 5% के, 5% के तूने इसको पैसे दिए, बोले मेरे को तेरे शेयर्स बेचते। इसके पास में 10% के थे, तूने इससे भी ले लिए। इसके पास में 10% के थे, तूने इससे भी ले लिए। टोटल कितने परसेंट शेयर्स ले लिए तूने? 5, 10, 10 है 25%। इसके पास में 20% के शेयर्स थे, तूने इसको भी पैसे दिए, इससे 20% के शेयर्स खरीद दिए, कितने हो गए तेरे पास? 45%। फिर तूने उसके बाजू में देखा, बस ऐसे ही देखा तूने उसको, और बोला कि तेरे पास में रिलायंस के शेयर है क्या? बोले है। बोले कितने? बोले 15%। तूने उसको पूछा पैसे देता क्या, सॉरी शेयर्स देता क्या? बोले तू जो पैसा मांगे वो देने को तो रेडी है। लोग सोचेंगे तू बावला हो गया, इतना क्या रिलायंस के शेयर के पीछे पड़ा है भाई, इससे इतना सारा ले लिया अभी भी उससे मांग ही रहा है। तो बोलता है मैं 15 में से 10% बेचूंगा। तो बोलता है ठीक है चलेगा दे दे। तूने उसको पैसे दिए, 10% ले लिया, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए तेरे पास? 55%। अब तू चाहे तो आज शाम की लोकल आज शाम की मुंबई की ट्रेन पकड़, मुंबई जा, धीरूभाई अंबानी मुकेश अंबानी के घर में घुस या ऑफिस में जा, मुकेश को बोलना मुके उठ, आज से चेयर का मालिक मैं, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, यू कैन डू दैट। Since now you hold 51% shares of that company, you are the owner of that company.
वहाँ पे ओनर ये नहीं रहता कि मैंने कंपनी बने तो मैं ओनर, हाँ तेरे पास में 51% का होल्डिंग होना चाहिए। अगर मेजोरिटी होल्डिंग तेरे पास है तो तू उसका ओनर है, क्योंकि कंपनी का मालिक अलग है और कंपनी अलग है। इसीलिए स्टीव जॉब्स के नाम सुना है, कौन है? एप्पल कंपनी का मालिक था, मरे हुए 5 साल, कितने साल हो गए, 2011 में मर गया, 10 साल हो गए। स्टीव जॉब्स की कंपनी उसने खुद ने बनाई एप्पल, और उसको उसी कंपनी में से निकाल दिया। सर ऐसे कैसे निकाल सकते हो, तो मालिक है। मालिक नहीं था, मालिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी नहीं है, मालिक तो मेंबर्स है और डिसीजन लेने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो आप कंपनी के मालिक को भी कंपनी से किकआउट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स है, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने पास में रखते हैं, ताकि कोई और कंट्रोल ना ले ले हमारी कंपनी का। हाँ 51% ले सकता है, एक इंसान पूरे 51 ले सकता है, बट नंबर ऑफ डायरेक्टर शुड बी मिनिमम पब्लिक में 3, प्राइवेट में, तो वो प्राइवेट उसको डायरेक्टर बनने के लिए शेयर्स तो लेना पड़ेगा ना। तो सर एक शेयर नाम का रख लो, बचा हुआ मैं मेरे पास रख लेता हूँ, तो वैसे ही होता है, वैसे ही होता है। लेकिन फिर क्या होता है कि आपके पास में इतना सारे शेयर्स बन जाते हैं, पैसा कुछ नहीं बनता। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे बैंक में, मेरे पास में 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी अब भी पड़ी है मेरे पास में, जेब में कुछ नहीं है मेरे, लेकिन मेरे पास में 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अबे खाने को तो रोटी लगेगी ना, मैं सब्जी लेने जाऊंगा तो क्या बोलूंगा, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी सब्जी दे, झापड़ मारेगी भाई वो। अरे भाई पैसे लगेगा ना, लिक्विडिटी चाहिए। तो ऐसे टाइम पर क्या करते, डायरेक्टर्स अपना स्टेक थोड़ा बहुत बेच देते ताकि उससे पैसा ले लें। लॉजिक समझ में आया? पक्का? मैं कुछ बोल रहा था, भूल गया। सेपरेट लीगल एंटिटी के लिए कुछ बोल रहा था, पता नहीं, याद आएगा तो बताओ। तो ये कॉन्सेप्ट हो गई सेपरेट लीगल एंटिटी की, क्लियर है तक? चलो, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इन द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विज़ाविज़ द अदर ऑर्गेनाइजेशन इज दैट इट अक्वायर्स अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ बीइंग अ सेपरेट एंटिटी। इन अदर वर्ड्स, व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड, इट इज क्लॉथ्ड विद अ लीगल पर्सनैलिटी। उसको कपड़े पहनाए जाते हैं लीगल पर्सनैलिटी के, दिखते नहीं है। इट कम्स टू हैव ऑलमोस्ट द सेम राइट्स एंड पावर्स एज अ ह्यूमन बींग्स। जैसे ह्यूमन बींग को पावर होता है साइन करने का, ये भी साइन करने का पावर है। ह्यूमन बींग को राइट होता है खुद के नाम पर बैंक अकाउंट लेने का, इसको भी राइट होता है। ह्यूमन बींग को पावर होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पर डील कर सकता है, इसको भी होता है। अ कंपनी कैन ओन अ प्रॉपर्टी, हैव अ बैंक अकाउंट, रेज लोन, इनकर लाइबिलिटीज एंड एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी ये सारे काम कर सकती है। It is at law a person is different altogether from the subscribers to the memorandum of association. अभी अपन ने बात किया था MOA की। Its personality is distinct and separate from the personality of those who compose it. उसकी personality अलग होती है उनसे जिसने उसको बनाया है। बनाया धीरूभाई अंबानी ने, बट उसकी personality Reliance को काम नहीं आती, Reliance की खुद की एक personality, क्योंकि Reliance खुद में एक आदमी है, ठीक है, बट दिखता नहीं है। तुम ऐसा कभी देखे क्या, ओ हो क्या Reliance जा रहा, देखा तुमने? आदमी नहीं है वो, दिखता नहीं, हाथ पैर नहीं है उसके, लेकिन उसको सारे राइट्स एक ह्यूमन बीइंग के। अ कंपनी इज केपेबल ऑफ ओनिंग, एंजॉयिंग, डिस्पोजिंग, मतलब सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, ऑल्दो द कैपिटल एंड एसेट्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय हुम, द शेयर होल्डर्स। पैसा कौन देता है कंपनी को काम करने के लिए? शेयर होल्डर्स। द कंपनी बिकम्स द ओनर ऑफ द कैपिटल एंड एसेट्स, द शेयर होल्डर्स आर नॉट द प्राइवेट और ज्वाइंट ओनर ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। वो कंपनी के प्रॉपर्टी के मालिक नहीं है, वो कंपनी के शेयर्स के मालिक, उन्होंने कंपनी में होल्ड किया है। कंपनी उससे अगर एक बिल्डिंग खरीदे तो तुम बिल्डिंग के ओनर नहीं बन जाते। मैंने कंपनी को 10 करोड़ रुपए दिए, तो कंपनी ने क्या किया, 10 करोड़ में एक प्लांट खरीदा अंधेरी में। प्लांट बोले तो झाड़ नहीं, मशीनरी। भगवान जाने भाई तुम्हारे दिमाग का चल सकते, सुबह सुबह का टाइम है, ठंडी है, दिमाग जमा हुआ है तुमको, भगवान जाने। तो कंपनी ने 10 करोड़ का एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खरीदी, तो तुम उसके ओनर नहीं बन जाओगे। जाके बैठ मत जाना टेबल पे, आ बता आज क्या क्या काम किया, झापड़ मारेगा वो। अरे तुम ओनर हो तो उस कंपनी के प्रॉफिट्स में ओनर हो, कंपनी के मैनेजमेंट में ओनर नहीं हो। ठीक है, ठीक है, ये कोई काम नहीं है। अच्छा हाँ, मैं तुमको ये बता रहा था, अच्छा है, वो जो मैं बोला ना, मैं भूल गया। मैंने तुमको अभी बोला ना, जिसके पास में 51% का स्टेक होता है वो कंपनी का मालिक होता है। एक कंपनी है द
बता दूंगा, गूगल पे ही है, माइंड ट्री नाम से है या क्या नाम से, ऐसा कुछ तो भी शायद माइंड ट्री नाम से होना चाहिए। अच्छी कंपनी है, मस्त प्रॉफिट भी कमाती है, एक टाइम पे मैंने उसमें से 2-3 हज़ार रुपये कमाए भी थे शेयर्स में। अच्छी कंपनी लगी मेरे को, मतलब डालते इन्वेस्ट करते पैसा कमाते थोड़ा। उसका माइंड ट्री का मालिक रात को, फ्राइडे रात को सोया ये सोचे कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, क्या मजा है, क्या कंपनी काम करती मेरी जोरदार, ऐसा खुशी खुशी वो रात में सोया। सैटरडे संडे वो फैमिली ट्रिप पर गया, आई एम मेकिंग दिस अप, सच्ची नहीं पता मेरे को फैमिली ट्रिप पर गया, मेरे को फ़ोन करके नहीं गया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तुमको, केस सही है, ये बीच में थोड़े जो मिर्ची मसाला है वो मेरा है। सैटरडे संडे बढ़िया ट्रिप पर गया, मंडे ऑफिस वापस रिज्यूम किया, तब पता चला वो कंपनी में है ही नहीं, और बेसिकली वो कंपनी भी नहीं है, एक एलएनटी नाम से कंपनी है। एलएनटी नाम की कंपनी ने इस कंपनी पर नजर डाली, माइंडट्री नाम से जो मैं बोल रहा हूँ। एलएनटी बोलती है वाह यार कंपनी मस्त है, कितने की है? देखा उसने वैल्यूएशन कंपनी का ऐसा वैसा, तो बोले अपने को ये कंपनी खरीदना है। तो कैसे खरीदेगा कंपनी? अगर वो मालिक के पास जाएगा और बोलेगा ला तेरी कंपनी बेच, वो बेचने वाला है क्या? अब इसको फिर भी खरीदना है, बस जीत पे अड़ा हुआ है, शेयर्स ले लेगा कितने? 51%। बट 51% आइडियली कौन होल्ड करके रखेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि उनको भी तो डर है कि ऐसा तो कोई भी आकर पैसा लेकर चला जाएगा हमारी कंपनी को। तो उसने मार्केट से 47-48% तो शेयर्स ले लिए, लेकिन अभी भी उसको कितने चाहिए? 2-3% अभी भी चाहिए, 3-4% अभी भी चाहिए उसको मालिक बनने के लिए। बट अब वो मिलने वाले क्या उसको, क्योंकि वो किसके पास होंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। उसने उठाया मौके का फायदा। एक आदमी था जिसका नाम था वीजी सिद्धार्था, सुना क्या नाम? नहीं सालो, उसके दम पे कितने हरकतें कर बैठे हो तुम लोग अब तक, 250 रुपए की कॉफी पीते हो तुम वहां जाकर, नहीं रे स्टारबक्स 250 रुपए में नहीं आती भाई, नहीं आती, ऐसे बाल नहीं जाते लोगों के, 500 रुपए के नीचे तो कॉफी ना मिले वो काली है, 250 वाली है सर है, पता नहीं यार, अब हम कभी गए नहीं ऐसी जगहों पर, प्राइस देख के हम पहले ही अंदर नहीं गए कभी, पहले हम जोमेटो पे देख लेते थे मेनू कार्ड उसका, CCD कैफे कॉफी डे, कैफे कॉफी डे का मालिक है वीजी सिद्धार्था, था मालिक था, सुसाइड कर लिया था शायद कभी, ये भी नहीं पता तुमको, अरे कब को सुसाइड कर लिया बेचारे ने, लोन आ गया था वो टांग पे उसके, तो सुसाइड कर लिया उसने। वीजी सिद्धार्था के पास में इस कंपनी के बहुत सारे शेयर्स थे और ही वॉज वन ऑफ द डायरेक्टर। एलएनटी उसके पास गया, एलएनटी बोलता है तेरे को पैसे की जरूरत है ना, मैं दूंगा पैसे। बोले क्या बात कर रहे हो, कोई हेल्प नहीं कर रहा, आप हेल्प करो। बोले हाँ। बोले इसके बदले में क्या देना पड़ेगा? मतलब तेरे माइंड ट्रिक के शेयर्स दे दे। उसने उठा के माइंड ट्रिक के शेयर्स इसको दे दिए, कुछ 220 करोड़ या 2200 करोड़ ऐसा कुछ तो भी अमाउंट है, देखेंगे अपन गूगल पर। ऐसे करके उसने टोटल 59% माइंड ट्री का एलएनटी ने खरीद लिया, और जितने अमाउंट में खरीदा वो एलएनटी के लिए नाश्ते के अमाउंट है, ऐसे हाँ खा जाता है। मतलब इतने रातों रात कंपनी बिक गई, एक रात पहले कंपनी का मालिक कोई और था, एक रात बाद कंपनी का मालिक एलएनटी हो गया, और आज भी वो कंपनी अब एलएनटी की है, क्योंकि एलएनटी नाउ होल्ड्स आई गेस 67% ऑफ माइंड ट्री कंपनी। इसको बोला जाता है हॉस्टाइल टेकओवर, टेकओवर कर दिया उसने कंपनी को, और पूछ के किया क्या, मैं आ रहा हूं, ना ना ना, रातों रात हो गया, हॉस्टाइल टेकओवर। LNT कंपनी का मालिक मरा है, कंपनी थोड़ी बंद हो सकती है, वही तो बात किया था ना, विजय सिद्धार्थ तो जा चुका है। हाँ तो विजय माल्या की कंपनी का बंद हुई, बिल्कुल लेते हैं, विजय माल्या की किंगफिशर की फ्लाइट्स बंद हुई है, दारू तो अभी भी चल रहा है। कंपनी एक ब्रांड है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स है ना, कैडबरी बंद नहीं हुई, सिल्क बंद हुई, सिल्क बंद होने से क्रैकल थोड़ी बंद हो जाएगी, क्रैकल तो बिक रही है। जॉनसन बेबी ये एक ब्रांड है, उसमें टैल्कम पाउडर एक प्रोडक्ट है, तो टैल्कम पाउडर पे केस हुआ फाइल, तो उसके दूसरे प्रोडक्ट थोड़ी बंद हो जाएंगे, या दूसरी स्ट्रीम थोड़ी बंद हो जाएगी। ऐसा जॉनसन बेबी पे केस हुआ था, शायद माइंड ट्री है, मेरे को नहीं पता, हाँ माइंड ट्री है। देख
अ टेक ओवर बिकम्स हॉस्टाइल व्हेन द एक्विजिशन ऑफ टारगेट कंपनी इज अपोज्ड बाय इट्स मैनेजमेंट. मैनेजमेंट देने के लिए रेडी नहीं था. रिसेंटली इन 2019 द इंडियन आईटी सेक्टर विटनेस इट्स फर्स्ट एवर हॉस्टाइल टेक ओवर वेयर द माइंडट्री कंपनी वॉज एक्वायर्ड बाय लॉर्सन एंड टूब्रो दैट इज एलएनटी कंपनी. कितना स्टेक? With 60% stake, L&T completed its hostile takeover of Mindtree. क्योंकि एक डायरेक्टर विजय सिद्धार्थ था ना, उसके पास में 10-5% के होंगे शेयर्स, उसने उठा के बेच डाले. विजय सिद्धार्थ ही नाम है शायद यार. न्यू दिल्ली का केस है. व्हेन वीजी सिद्धार्था अग्रीड टू सेल 20.32% 32% स्टेक्स ओन्ड बाय हिम एंड हिज टू एफिलिएट्स इन माइंडट्री टू एलएनटी एट 980 करोड़. ये पट्टे को 980 करोड़ रुपए तुम्हारे पास में अगर कोई आके मांगे 1000 करोड़ में देते, क्या तुम नहीं बोलोगे नहीं नहीं? आती हुई लक्ष्मी को रोका तुम 980 रुपये में बेच डालो बेशर्मो, तो ये तो 980 करोड़ मिल रहे थे. द फाउंडर ऑफ कैफे कॉफी डे अर्नड ओनली 16.7 करोड़ मोर देन द सेकंड हाईएस्ट प्राइस. वो जानते, वो अपने को काम करनी. आई समझ में कौन है विजय सिद्धार्थ का, क्यों नाम लिया मैंने, सीसीडी कैसे बना, मतलब कैसे आया इस केस में. तो सीसीडी के वजह से एलएनटी ने माइंडट्री को खरीद डाला, समझा? अरे किताब का पढ़ लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है. क्या है इतना सा, तो इतनी सी तो नोट्स है, पढ़ के एग्जाम में लिखना ही है. और एग्जाम में क्वेश्चन भी साले सब देखे हुए आएंगे, कोई टेंशन मत लो. मैं बताऊंगा कैसे पास करने का एग्जाम. अभी जो बच्चों का हुआ एग्जाम, उनको जाके पूछो क्या बोला था और क्या आया पेपर में, वही होने वाला है. कोई बड़ी बात नहीं है. और उनका पेपर भी मंगवाया मैंने अभी, उनको जो आया ना उनका पेपर मंगवाया, अपन एक बार डिस्कस करेंगे उसके बारे में. लाइक तुमको ऐसा मन में लगता होगा कि सर पुराने पेपर देख के आ जाते होंगे, हमको बोल देते होंगे ऐसे ही आता पेपर. अभी तो 4 दिन पहले का पेपर हुआ, तुमने तो ऑलरेडी एक बार पढ़ा हुआ मेरे साथ, तो मैं वो बता दूंगा कि 4 दिन पहले वह पढ़ा हुआ पेपर भी कैसा पेपर आता है. जैसा अपन ने बोला वैसा कि वैसे ही आएगा. इससे तुमको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि जब पिछले 8 अटेम्प्ट से सेम पेपर आ रहा है, तो 9वें अटेम्प्ट में तुमने कौन सा अलाउद्दीन की चिराग हो कि तुम्हारे लिए ऑल टुगेदर आईएएस का पेपर सेट हो जाएगा. पेपर टफ आता है, मैं ये कभी नहीं बोला कि एकदम सोपा पेपर है, ऐसा पेपर कौन बना था. हाँ पेपर टफ आएगा, लेकिन उसके कुछ चिट्स है, वैसी चिट्स है, ट्रिक्स है, जो टाटा स्काई है मेरे लिए. इसको कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला, बस वैसी वाली. तुम वो कर लो, 50 मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं जाते. और इन एनी सब्जेक्ट, लेट इट बी लॉ, लेट इट बी अकाउंट, लेट इट बी इको, लेट इट बी स्टैट्स, लेट इट बी एलआर, लेट इट बी मैथ्स, कुछ भी हो, ये ट्रिक अपनाओ, 50 मार्क्स कहीं नहीं गए. और पास होने को 50 ही चाहिए. तुम लाओ 55, 60, 70, 80, मैं वो नहीं मना कर रहा, 50 तो चाहिए ना, 50 पास हो जाएंगे, इतने में गारंटी. उसके ऊपर तुम्हारी मेहनत है. मैं पास करने की अश्योरेंस ले सकता, रैंक की अश्योरेंस मैं नहीं ले सकता, क्योंकि तुम ढोर पढ़ने चाहिए ना, मेरे बोलने से क्या हो जाएगा. ठीक है चलो. अरे तू नीचे क्यों आ गया एकदम सब? अब ट्रिक मैं अभी थोड़ी बताऊंगा, सालो ट्रिक बता, तुम आगे का पढ़ते इतनी फिर है बताऊंगा, नहीं बताऊंगा ऐसी बात नहीं. चलो सेकंड इज परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन देखा, धीरूभाई अंबानी थे, उसकी जगह ली मुकेश अंबानी ने, मुकेश अंबानी लिया उसकी जगह ली इसका ये जो भी बेटा होगा, मेरे को पता नहीं, मेरा काम डायरेक्ट मुकेश से पड़ता, तो बेटे के बारे में कभी पूछा नहीं मैंने, नाम नहीं पता मेरे को. तो जब ये बूढ़ा हो जाएगा, जब ये इसकी उम्र में आ जाएगा, अगर इसका बच्चा रहा, बेटा बेटी वॉट एवर द केस में भी, तो उसकी जगह वो ले लेगा, परपेचुअल सक्सेशन. और अगर ये सपोज तीनों भी मर गए, सॉरी एक फ्लाइट में जा रहे थे, कंपनी बंद हो जाएगी क्या? कंपनी परपेचुअल अनगिनत सालों तक चलती रहेगी, जब तक कंपनी खुद से डिसाइड नहीं करती कि हम अपने आप को बंद कर रहे हैं. एग्जाम्पल सत्यम. सत्यम का कांड हुआ था 2008 में शायद, आई डोंट नो ईयर कांड हुआ था, पता है सत्यम केस पता है, राजू रामलिंगम. राइट. तो सत्यम का होने के बाद में सत्यम कंपनी ने सोचा कि हम अपने आप को बंद कर देते, तो उसको बंद होने नहीं दिया, क्योंकि इसके शेयर होल्डर्स बोलते हैं हमको बंद नहीं होना है. तो वहां पे एक कंपनी है जिसका नाम है महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा. उस कंपनी ने उसके पास आया, बोलता है तेरी कंपनी मैं खरीद लेता, तो उसने उस कंपनी को खरीद लिया. और आज उस कंपनी का नाम, चल ना भाई, अरे ये
इट इज सत्यम इन रिवर्स मैनर। अभी भी ये कंपनी जिंदा है बट अब इसका नाम मेहतास है, ठीक है, वो सत्यम को उल्टा पढ़ोगे तुम तो मेहतास बनता है, तो अब ये कंपनी महिंद्र होल्ड करता है, ठीक है। मेंबर्स में डाई और चेंज बट कंपनी गोज ऑन अंटिल इट इज वाउंड अप ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड बाय द एक्ट। द शेयर्स ऑफ द कंपनी में चेंज हैंड्स, सर आज शेयर मेरे पास है कल शेयर किसी और के पास होंगे, तो कंपनी में चेंज इट्स हैंड्स बट डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। सिंस अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड, कहा गया इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ अलोन कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स लाइफ। जब उसको पैदा लॉ ने किया था तो खत्म भी लॉ करेगा, मालिक नहीं कर सकता। इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर। तुम्हारे मेंबर मर भी जावे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून ने पैदा किया है तो कानून ही इसको खत्म करेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी कल पड़ेंगे। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सर ये पर्सन है बट आर्टिफिशियल है बट लीगल है। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एज इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस अदर देन ए नेचुरल बर्थ। इसका नेचुरल बर्थ नहीं हुआ, प्रोसेस से बनी है। इट इज लीगल और जुडिशियल एज इट इज कवर्ड एट इज इट इज क्रिएटेड बाय द लॉ। इट इज अ पर्सन सिंस इट इज क्लॉथ विद ऑल द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। फर्दर अ कंपनी बींग अ सेपरेट लीगल एंटिटी कैन ओन द प्रॉपर्टी एंड हैव द बैंकिंग अकाउंट, इट कैन रेज लोन्स, इट कैन इनकर लाइबिलिटीज, इट कैन एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट, इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, एक्वायर द राइट्स अगेंस्ट इट और इनकर एनी लाइबिलिटी टू इट। इट कैन सू एंड कैन बी सूड इन इट्स ओन नेम। इस पर कोई भी सू कर सकता है, साइंस वाले लोग सू बोले तो केस, इस पर कोई भी केस कर सकता है या कंपनी किसी पर भी केस कर सकती है। इट कैन डू एवरीथिंग विच अ नेचुरल पर्सन कैन डू, जो भी नेचुरल पर्सन करता है ये सारी काम वो कर सकता है, एक्सेप्ट बी सेंट टू जेल। कंपनी को जेल में कैसे भरोगे, हथकड़े कैसे पड़ोगे जेल को। टेक एन ओथ, कटघरे में आके बोलो रिलायंस तुमको क्या बोलना है, कौन सा रिलायंस कौन सा कटघरा। मैरी और प्रैक्टिस, मैरी कैसे करेगा, हमारी रिलायंस कंपनी के साथ शादी हुई, वाह नहीं हो सकता। और प्रैक्टिस अ लर्न प्रोफेशन, हेंस इट इज अ लीगल पर्सन इन इट्स ओन सेंस। एज अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन एक्ट ओनली थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी विच आर नोन एज डायरेक्टर्स। ये डायरेक्टर्स के थ्रू ही काम करेगी। द डायरेक्टर्स कैन नॉट कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड एक्ट एज एजेंट। वो कंट्रोल नहीं करते कि क्या होना चाहिए, वो सिर्फ डायरेक्ट करते हैं उसको, बट दे आर नॉट एजेंट ऑफ द मेंबर्स। सालो तुमने पैसा दिया तो तुम्हारा एजेंट नहीं है मुकेश अंबानी, पहुंच मत जाना है मुकेश। मैं क्या बोल रहा था, वो तूने कल जो ट्रांजेक्शन किया ना अच्छा नहीं लगा मेरे को, गलत क्या, ऐसा नहीं कर सकते। तो वो एजेंट है कंपनी के, तुम्हारे नहीं है, खरीद नहीं लिया तुमने 2000 का शेयर खरीद लिया, सालों 2000 का शेयर क्या खरीदे, मुकेश अंबानी को तो नौकरी समझ के बैठा तुमने, ऐसा नहीं होगा। द डायरेक्टर्स कैन ईदर ऑन देयर ओन और थ्रू द कॉमन सील कैन ऑथेंटिकेट इट्स फॉर्मल एक्ट। कॉमन सील बोले तो ऐसा थप्पा, क्योंकि उसका हाथ नहीं है ना तो साइन कैसे करेगा कंपनी, बट उसको अगर डीलिंग करना है, उसको बैंक अकाउंट खोलना है तो साइन तो करना पड़ेगा, साइन करेगा तो वो ऐसा स्टैंप लगाएगा। दस अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। समझ में आया, तब सिग्नेचर लगेगी, ऑप्शनल है तो मैंने अगर नहीं लिया, कॉमन सील ऑप्शनल है आजकल, कॉमन सील के जगह पे आप दूसरा कर सकते हो जिसका नाम होता है डिजिटल सिग्नेचर। निकलते निकलते एक मिनट, ये सीपीयू का मुंह तुम्हारे तरफ नहीं है ना, इसका सामने का साइड तुम्हारे तरफ है ना, इसके पीछे से आना और देखना एक पेनड्राइव जैसा एक लगा हुआ है ब्लू कलर का, दिख रहा है, हाँ, तो जो ब्लू कलर का है दैट इज डिजिटल सिग्नेचर। मुझे भी अगर कोई चीज़ को ऑथेंटिकेट करना है, कोई डॉक्यूमेंट है जो ऑनलाइन आया है, तो मैं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को साइन कैसे करूँगा, तो वो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू करता हूँ। तो वैसे कॉमन सेल ऑप्शनल है बट डिजिटल सिग्नेचर कंपलसरी है, क्लियर। कॉमन सेल होमवर्क मार्क करो। सर होमवर्क कैसे करेंगे, हमारे पास तो नोट्स ही नहीं है, दूंगा रही। ये पूरा ही होमवर्क है कॉमन सील। इसमें का एक है लिमिटेड लाइबिलिटी, एक लिमिटेड लाइबिलिटी एक्चुअल में अभी नहीं पढ़ना है, इसके आगे जाके पढ़ना है। तुमको बता दूं कंपनी की लाइबिलिटी तीन टाइप की हो सकती है, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और तीसरी होती है अनलिमिटेड कंपनी। सर मैंने अगर 3000 का शेयर खरीदा है रिलायंस कंपनी का, उसमें का रिलायंस ने अभी मुझसे 1000 ही रुपये लिए और बोला कि 2000 रुपये मैं तुझसे बाद में लूँगा,
और कल जाके रिलायंस कंपनी डूब जाती है और मेंबर से पैसा मांगती है कि प्लीज़ थोड़ा पैसा दे दो कंपनी बच जाएगी, तो कंपनी मुझसे कितना भी पैसा मांग सकती है? कंपनी बोलेगी, मैं बोलूँगा भाई 3,000 का वादा किया था, 1,000 ले लिया, मैं कितना दूंगा मैक्सिमम? तो मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एक टाइप की कंपनी, मेजॉरिटी 99% कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ही होती है। सेकेंड टाइप ऑफ कंपनी का नाम होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड ऑफ गारंटी का मतलब होता है जब मैं कंपनी का शेयर खरीदता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ कि कंपनी सुन मुकेश, मैं तेरे को पैसा दे रहा हूँ, लेकिन कल जाके अगर तेरा कोई खराब टाइम आता है तो मैं तेरे को 10 लाख रुपए तक की मदद करूँगा, मेरी गारंटी। बहुत ही खराब टाइम आया और मुकेश बोलता है कि भैया थोड़े 8 लाख रुपए दो ना, मुझे देने पड़ेंगे क्योंकि मैंने गारंटी ली है, लेकिन मुकेश बोलता है भैया थोड़े 12 लाख रुपए दो ना, मैं दूंगा क्या गारंटी कितने के लिए? मैं 10 लाख रुपए तक की मदद कर सकता हूँ, कंपनी लिमिटेड का गारंटी। और तीसरी कंपनी होती है अनलिमिटेड कंपनी। सर टोटल लॉस जो हुआ था मेरा वो रिलायंस का वो था 500 करोड़ का, टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे 100 करोड़, तो पर हेड लॉस कितना आया? 500 डिवाइडेड बाय 100, 5 करोड़। मुझे उसको 5 करोड़ देने पड़ेंगे। सर मैं 5 करोड़ कहाँ से दूँ, मेरे पास तो बैंक में सिर्फ 2 ही करोड़ है और 3 करोड़ का घर है। तेरे को अपना घर बेचकर भी पैसा देना पड़ेगा क्योंकि तेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। सर तो फिर ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट ही काय के लिए करूँगा? उसके डिविडेंड बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी होते हैं, माँ कसम दिया डिविडेंड मिलता है अनलिमिटेड कंपनीज का, बट एट द सेम टाइम रिस्की है, दो धारी तलवार है, इधर से डिविडेंड है तो उधर से तेरे घर बार बिकने की लाइबिलिटी भी है। तो सर ऐसे केस में लोग क्या करते, देते फटाक से शेयर बेच डालते हैं, डिविडेंड ले लेते हैं, गायब हो जाते हैं। मेरा डिविडेंड मेरा पैसा मेरे हाथ में आ गया ना, अब तू देखते बैठते। तो टोटल 3 टाइप्स ऑफ कंपनी होती है, जिसमें मेजॉरिटी कंपनी कौन से टाइप की होती है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। दूसरी कौन सी होती है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और तीसरी कौन सी होती है? सॉर्टेड यहाँ तक पक्का? सिद्धि, तनिषा, संकेत, क्लियर है यहाँ तक? चलो मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, फर्स्ट सेशन एंड हुआ। दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ी, पहला कॉन्सेप्ट अप्लीकेबिलिटी, सेकंड कॉन्सेप्ट फीचर्स। तुमको ये आने के पहले कल पढ़कर आना है और एक जो होमवर्क दिया है कॉमन सेल का वो करके आना है, क्लियर? कुछ डाउट, कुछ दिक्कत? हाँ भाई, और हाँ संकेत, अभी 2 बजे वाली क्लास है क्या? अबे तू डाउट है क्या पहले वो तो बोल। नहीं, डाउट नहीं। पक्का श्योर है?